नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फैक्ट और मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जायसवाल। राजस्थान रॉयल्स बनाम दिल्ली कैपिटल्स, जी हां, इस मैच में कई बहुत सारे रिकॉर्ड्स बने, कई रिकॉर्ड्स टूटे, कई रिकॉर्ड्स बने। और साथ ही साथ अगर राजस्थान रॉयल्स की बात करें तो ये जो पूरा सीजन है, ये सीजन ऐसा लग रहा है कि राजस्थान रॉयल्स के नाम रहने वाला है, क्योंकि राजस्थान जिस तरह से फॉर्म में चल रही है, इस लीग की सबसे मजबूत टीम कागजों पर तो है ही, बट साथ ही साथ फील्ड पर भी वैसा ही प्रदर्शन कर रही है। राजस्थान रॉयल्स जो इस वक्त पॉइंट्स टेबल में तीसरे नंबर पर है और लगातार अच्छा परफॉर्मेंस कर रही, क्योंकि उसके पूरे 11 खिलाड़ी जो है राजस्थान के सूरमा जिन्हें कहते हैं, वो पूरे सूरमाओं की तरह जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। और इसी कारण इस बार राजस्थान आईपीएल 2022 के इस खिताब के लिए सबसे बड़ी यानी कि प्रबल दावेदार मानी जा रही है। और इसके पीछे एक मुख्य कारण है संजू सैमसन। जी हाँ, राजस्थान रॉयल्स के कप्तान संजू सैमसन का इस मैच में एक अलग ही रिकॉर्ड बना। चलिए आपको बताते हैं इस वीडियो में कि क्या मुकाम हासिल किया है संजू सैमसन ने राजस्थान रॉयल्स के लिए। दरअसल जब वो इस मैच में खेलने के लिए उतरे, यानी कि दिल्ली कैपिटल्स के अगेंस्ट खेलने के लिए उतरे, तो ये उनका 100वां आईपीएल मैच था राजस्थान रॉयल्स के लिए। आपको बता दें कि इससे पहले वो दिल्ली कैपिटल्स यानी जो पहले दिल्ली डेयरडेविल्स हुआ करती थी, उसके लिए खेलते थे, बट पिछले 8 सीजन से राजस्थान रॉयल्स का एक अभिन्न हिस्सा है, एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, एक तरह से कहें तो एक सबसे बड़ा पिलर है जिसके ऊपर राजस्थान रॉयल्स जो है खड़ी हुई है। राजस्थान रॉयल्स के लिए 100वां मैच खेलने वाले संजू सैमसन इस मैच से पहले सिर्फ और सिर्फ 11 रन दूर थे 5000 T20 रन्स बनाने के लिए, और इस मैच में उन्होंने ये मुकाम हासिल कर लिया। उन्होंने इस मैच में 19 गेंदों पर 46 रन बनाकर, जिसमें 5 चौके और 3 छक्के शामिल थे, इसके बदौलत उन्होंने T20 क्रिकेट में अपने 5000 रन का आंकड़ा जो है पार कर लिया है, और अब वो 5035 रनों के साथ इस T20 करियर में आगे बढ़ रहे हैं। साथ ही अगर बात करें इनके स्कोर की बदौलत, राजस्थान रॉयल्स ने 222 रन बनाए थे, वो भी सिर्फ और सिर्फ 2 विकेट के नुकसान पर। तो संजू सैमसन किस इंपॉर्टेंट कड़ी है, कितनी इंपॉर्टेंट कड़ी है, ये आप सभी को पता है, क्योंकि राजस्थान रॉयल्स की जो कप्तानी है संजू सैमसन के हाथ में है और लगातार वो अच्छा प्रदर्शन करते आ रहे हैं, चाहे वो बात करें अपने बल्ले से, चाहे वो बात करें अपनी कप्तानी से, या फिर चाहे वो बात करें फील्ड रोटेट करवाने के तरीके से। विकेट के पीछे रहते हैं जैसा MS धोनी काम किया करते थे चेन्नई सुपर किंग्स के लिए जब वो कप्तान थे, अभी भी खिलाड़ी तो हैं ही, वैसा ही जो काम कुछ अगर बात करें संजू सैमसन की तो वैसा ही कर रहे हैं, क्योंकि MS धोनी भी मिडिल ऑर्डर में आया करते थे और संजू सैमसन भी मिडिल ऑर्डर में आ रहे हैं और लगातार ताबड़तोड़ बल्लेबाजी। जी हाँ, इस मैच में भी 19 गेंदों पर 46 रन बनाकर नॉट आउट रहे, 5 चौके लगाए, 3 छक्के भी लगाए, और लगातार ताबड़तोड़ पारियां जो है संजू सैमसन खेल रहे हैं, और इसी की बदौलत 5000 T20 रन जो है उन्होंने पूरा कर लिया, और साथ ही साथ राजस्थान रॉयल्स के लिए 100 आईपीएल मैच खेलने वाले खिलाड़ी भी बन गए हैं। तो आपको क्या लगता है, आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि संजू सैमसन राजस्थान रॉयल्स को इस लीग में कहां तक ले जा पाएंगे। क्या राजस्थान रॉयल्स संजू सैमसन की कप्तानी में अपना दूसरा खिताब जीतेगी, क्योंकि पहला खिताब तो वो जीत चुकी है शेन वॉन की कप्तानी में, जब आईपीएल का पहला सीजन हुआ था 2008 में, जब चेन्नई सुपर किंग्स को फाइनल में हराकर राजस्थान रॉयल्स जीती थी। तो क्या इस साल एक बार फिर से हिस्ट्री दोहराई जा सकती है, क्या संजू सैमसन दूसरे कप्तान बनेंगे राजस्थान रॉयल्स के लिए खिताब जिताने वाले, या फिर इस बार भी जो सपना है राजस्थान का दूसरी बार खिताब जीतने का वो अधूरा रह जाएगा, आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक जरूर कीजिए और स्पोर्ट्स फैक्ट चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।